Definitely adding the theory as well as the practical content in today's session. Hati, welcome to all of you. Good morning, Divya, Poonam, Latha, Ravali, Satya, Jyoti, everyone. Kindly join, kindly settle. And in last session, we have already covered the concept of discrete mathematics questions, practicing the equations, solving the Boolean expressions, match the following, and many more. So, any of you, if you have not attended my previous session, then do watch that session. Chalim. आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले आई हैव अमेजिंग अनाउंसमेंट दैट आई विल बी टेकिंग द स्पीड टेस्ट ऑन ट्यूजडे ट्यूजडे को मैं लेकर आ रही हूँ एक स्पीड टेस्ट वाली सीरीज जिसके अंदर वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द एमएच सेट आंसर की डिस्कस करेंगे एमएच सेट की बट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वी गॉट जस्ट द अमेजिंग क्वेश्चंस इन द रीसेंट पेपर विच वाज कंडक्टेड ऑन 7th ऑफ अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे सो व्हाट इज द आंसर हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस Right? So कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकें सो टू केटर मैक्सिम क्वेश्चन टू बी टेकन इन वन सेशन ठीक है सो नोट कर लीजिए ट्यूजडे को ग्यारह बजे स्पीड टेस्ट होगा एंड वहां पर हम करेंगे बहुत अमेजिंग क्वेश्चन को सोल्व एंड आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ माई स्केड You all know that you can join me live every Tuesday and every Thursday.

So, discrete mathematics के DM के questions हमने last session में करे थे विच वाज रिक्वेस्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स तो मैंने उसको केटर करने की कोशिश करी थी एंड आगे भी हम और सेशन में इसके मिक्स क्वेश्चन को लेके आते रहेंगे ठीक है चलिए नाउ दिस the द होमवर्क क्वेश्चन I have गिवन इन द past लेक्चर अगेन आई वु रिप्लाई डू कॉमेंट आप कॉमेंट में होमवर्क क्वेश्चन का आंसर को जरूर लिखा करो यूल रिप्लाईड बी इज द करेक्ट आंसर येवेशन आउट ऑफ दिस इक्वेशन द फर्स्ट पार्ट वॉज ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड आउट ऑफ दिस वी कैन टेक ए कॉमन ए को हम कॉमन ले सकते हैं सो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट वन सिमिलरली फ्रॉम दीज टू टर्म्स आई कैन टेक सी एस कॉमन एंड इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए Inside the bracket, which is again equal to one, right? So definitely we'll get final answer as equal to a plus c. And that's what my question was asking that the final answer is the final answer is unaffected by variable b. konsa variable, final answer can the nahi variable ka effect equation ke nahi hai, right? Very good, geeta Keep replying, keep participating, everyone.

That binds a public key to an entity to issue a certificate. See, we know that whenever a certificate is issued related to, related to, um, uh,

so there is a authority it is a federal or state organization आपने बहुत बार शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर देखा होगा सी लिखा होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चंस में मिल सकता है where instead of ऑफ राइटिंग द वर्ड

इट्स अ ट्रस्टेड अथॉरिटी इट इज द फेडरल और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इट बेसिकली रिलीजेस सर्टिफिकेट फॉर सिक्योर लेयर, एस एस एल रिलेटेड को ये रिलीज़ करती है इट इज बेसिकली यूज फॉर क्रिप्टोग्राफिकली लिंकिंग एन एंटिटी विद द पब्लिक की यस सो क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन था ये क्रिप्टोग्राफिकली लिंकिंग एंड एंटिटी विद द द पब्लिक की यस पब्लिक की को एंटिटी से लिंक करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इज अ सर्टिफिकेट गुड क्वेश्चन नेक्स्ट वन एंड यस एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन आई पर्सनली बिलीव you can expect such questions in paper 1 as well as paper 2 because we know that paper 1 also these days are asking good level of questions right so being computer science students you can definitely expect something which by default is considered that you know

एंड देन रिप्लाई व्हाट इज द राइट आंसर व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको सही स्टेटमेंट बतानी है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन कर रही है इन टर्म्स को सो ध्यान से रीड करना और फटाफट से आंसर देना टाइम आर स्टार्टेड वॉट इज अस वोजन हॉर्स एंड वॉट इज अ बॉर्म देअर कैन बी मेनी मोर सच टर्म्स एवरी वन ऐसी और भी बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं

वायरस इज अ मिलीशियस प्रोग्राम व्हिच अट्रैक्ट और प्रोग्राम के साथ अटैच होके वर्क करता है एंड इट गेन्स द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम सिस्टम के कंट्रोल को लेने के लिए ताकि जो सामने वाला उसे पता ही ना लगे कि सिस्टम का कंट्रोल जो है वो किसी वायरस के कंट्रोल में जा चुका है व्हाट इज वॉर्म वॉर्म इज आल्सो अ मिलीशियस प्रोग्राम लाइक अ वायरस बट the ultimate virus does not need to attach itself to the host program so a worm does not attaches itself to any program virus work karta hai by attaching itself to something kisi ke sath kaam karta hai worms independent work karte hai. yes they work as independent objects whereas when you talk about trojan horse it is a program that contain hidden malicious function and this basically trick the user into स्टॉलिंग दम बाय अपीलिंग टू अजिटिमेट प्रोग्राम जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल हो आपको एक पर्सन कह रहे हैं कि मैं बैंक का एम्प्लॉई हूं एंड मैं आपको ये एंड ये प्रपोजल ऑफर करता हूं तो ही इज प्रिटेंडिंग माइट बी ही इज प्रिटेंडिंग दैट ही इज अ ऑफिशियल पर्सन ऑफ बैंक एंड एंड हो सकता है कि वो ऑफिशियल पर्सन ना हो वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन ना हो इसी तरीके से ट्रोजन हॉर्स आपको ऐसा बता रहा है कि मैं एक लेजिटिमेट प्रोग्राम हूं जो कि आपका हेल्प करूंगा बट माइट बी इट्स अ It's a malicious software. It's de definitely going to harm your system. So, right answer for the question is all of the statements are the correct statements here. Sari statements, bilkul theek hai, as according to the words given. Chaliye next question, everyone. Question number three. Okay, question number three. So, given here, what is bridge? Functioning of bridge. So.

पोल क्रिएटेड हाउ मेनी स्टेटमेंट आर द करेक्ट वन दैट यू हैव टू फाइंड आउट हिअर फॉर दिस क्वेश्चन ब्रिज फिल्टरिंग किसे कहते हैं ब्रिज फॉरवर्डिंग किससे कहते हैं यस एवरीवन एज आई कैन सी हियर हां जी भाई ये तो मुझे वैसे पता था कि क्योंकि मैंने यहां पे आंसर दिया है आई हैव गिवन द ऑप्शन बोथ तो जब आपको कुछ नहीं पता पेपर में भी ध्यान रखना डू रिमेम्बर इफ यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड फॉर दैट क्वेश्चन बोथ और ऑल तो ऑलवेज गो फॉर दैट ऑप्शन अगर आपको कुछ नहीं पता तब

If that message belongs to to some other network which has to be forwarded, जिसको आगे भेजना है, तो ब्रिज को पता है कि ये जो डेटा है ये एक डेस्टिनेशन का है जो कि हमारे uh, जो है नेटवर्क uh, के बाहर एग्जिस्ट करता है माइट बी लेट्स एंड नाउ सेंड है मैसेज राइट It knows that the message belongs to some other network, so bridge will forward that message because it belongs to some other network. So bridge will simply allow that message to be reached to that perfect destination. Okay? one that is called as bridge forwarding. Now let us consider this device is sending a message to a device belonging to same network. Yes. if device is sending a message to the same network then bridge has to prevent this message to go outside the network है ना अब bridge की ड्यूटी है कि ये मैसेज मेरा इस नेटवर्क के बाहर नहीं जाना चाहिए उस केस में वर्क करती है फिल्टरिंग तो फॉरवर्डिंग होती है जब पैकेट को आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है माइट भी वो नेटवर्क के बाहर भी हो सकता है एंड फिल्टरिंग तब होती है जब आपको नेटवर्क के अंदर ही डेटा को ट्रांसफर करना है तो यू आर प्रिवेंटिंग दैट मैसेज फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और लीक टू एनी एक्सटर्नल नेटवर्क दैट इज कॉल्ड एज़ ब्रिज फॉरवर्डिंग सो दीस आर टू अमेजिंग टर्म्स एवरीवन बहुत अच्छा क्वेश्चन है यस yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड आप यहाँ से याद भी कर सकते हो एंड आईव एक्सप्लेन हिंदी मीनिंग एज वेल मैंने दोनों का हिंदी मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करा दोनों टर्म्स बिल्कुल ठीक हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सो आर आर थ्री नाउ रिलेटेड टू अ प्रोटोकॉल इज इज बच्चे नो अ प्रोटोकॉल इट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ठीक है अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की तीन स्टेटमेंट है यू हैव टू फाइंड आउट वॉट इज द करेक्ट वन

एक हिंट मैं आपको दे रही हूं इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच एग्जिस्ट बिटवीन टू राउटर्स चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं साथ में एंड लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन दस पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ऑपरेट्स ऑन नेटवर्क लेयर गीता हुडा हुशंस इंटरचेंज है कोई बात नहीं हम हम उसको लेटर कैटर कर लेंगे दोबारा ओके पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज इट वर्किंग एट नेटवर्क लेयर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पे जो है आपको पता होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है टवर्कअर का प्रोटोकॉल नहीं होता तो फर्स्ट ऑप्शन मस्ट बी एबल टू सपोर्ट मल्टीपल नेटवर्क लेवर द सेम फिजिकल लिंक एट द सेम टाइम एपसोल्यूटली करेक्ट सो दीज टू स्टेटमेंट आर राइट एंड ऑफ ऑडियंस

इट इज अ डटा लिंक क्लियर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन टू राउटर्स डायरेक्टली विदाउट एनी हॉस्ट मेजर इसकी जो वर्किंग है वो ये है दो राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए पीपीपी प्रोटोकॉल होता है लेट से दिस इज राउटर नंबर वन एंड दिस इज राउटर नंबर टू To allow the communication between the two routers without host, we are using this protocol which is called as PPP, and it's a protocol of data link layer, not the network layer. Jolly next question. Consider the following statements on firewall. Again, firewall important for paper one as well as for paper two. Paper one may be computer science for you can definitely expect the questions related to firewall.

It protects and secures the inside network from outside network. It can be implemented in software or hardware or combination of both. What is the correct definition of firewall as according to the three statements? अगेन एक्सपेक्टिंग द करेक्ट रिप्लाई बिकॉज आई थिंक आपके साथ पेपर वन में भी ओनली बचे राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन आर ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट या ध्यान से समझते हैं कैसे सो फायर वॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी का सिस्टम है जो कि लिसन फायर वॉल दोनों फॉर्म्स में हो सकता है फायर वॉल हार्डवेयर भी हो सकता है सॉफ्टवेयर भी हो सकता है ठीक है सो so, दोनों फॉर्म्स की हो सकता है एक नेटवर्क सिक्योरिटी का सिस्टम है जो कि ये कन्फिगर करता है ये चेक करता है ये मेक श्योर sure करता है कि नेटवर्क के अंदर से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो कि हम अभी पीडब्ल्यू के थ्रू कनेक्टेड है ठीक so, है सो ये पी डब्ल्यू का इंटरनल नेटवर्क है

थ्रू सिक्योर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए सिक्योर सर्टिफिकेट्स लॉग इन के थ्रू रिमोट बंदा एंटर कर सकता है इंटरनल uh, uh, कोई भी ऐसे एंटर नहीं कर सकता वन इट ऑल इनकमिंग पैकेट आर डेस्टिन फॉर अ स्पेसिफिक कॉस्ट सिमिलरली इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल डेटा इट प्रोटेक्ट और इन साइड नेटवर्क फ्रॉम द आउटसाइड कंप्लीट वर्ल्ड पूरी दुनिया से बाहर के बचा रहा है दैट्स वट आई सेड यू ये फायरवॉल का मेजर पर्पस होता है चलिए प्रोसीड करने से पहले एक क्विक कंफर्मेशन क्लियर क्लियर फायरवॉल ये तीन पॉइंट्स आई थिंक अब सबको क्लियर है यहाँ पे भी मैंने थ्योरी बहुत ज्यादा डीप बताई है सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है राधा यू शुड नोट डाउन दीज पॉइंट्स एंड लर्न एक्सप्लेनेशन एज वेल क्लियर है एवरी वन शुड रिप्लाई हेयर भाई आई हैव जस्ट रिसीव वन रिप्लाई

फाइंड द टोटल परमिजेबल नंबर ऑफ हॉस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ हॉस्ट बट एक चीज नोट कीजिए दैट हियर क्वेश्चन हैज ऑलरेडी मेंशन द नेटवर्क बिट्स यू नो दैट माय आईपी एड्रेस हैज टू पार्ट्स है ना

करेक्ट रिप्लाई really मैं बहुत सही एक्सपेक्ट कर रही हूँ रिप्लाई को और देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका आंसर आता है टाइम ऑलरेडी स्टार्टेड फोर सबनेट्स चाहिए है टू क्रिएट फोर सबनेट्स हाउ मेनी बिथ्स शुड बी यूज आई एव गिवन दिंट ऑलरेडी ओके सो सम स्टूडेंट्स आर रिप्लाईंग हियर पोल स्टॉप हो चुका है लेट्स सी द रिस्पोंसेस अमेजिंग 90% एक्यूरेसी है बहुत बढ़िया 126 क्योंकि क्वेश्चन हैज गिवन मी 23 बिट्स आर यूज्ड स्पेसिफिकली बाय द नेटवर्क पार्ट भूल जाओ अब होस्ट पार्ट में इट हैज गिवन देयर आर फोर सबनेट्स टू क्रिएट फोर सबनेट्स टू बिट्स वुड बी यूज्ड व्हाई बिकॉज टू 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 इज टू फोर सबनेट्स चार लिए दो बिट्स को तो रिजर्व रखना ही पड़ेगा ना तो दो बिट्स को आपने रख दिया रिजर्व अब की थी दो बिट्स आपकी सबनेट की हो गई यस टू बिट्स थ्री बिट्स आर फॉर नेटवर्क सो ट्वेंटी फाइव बिट्स तो हो गई रिजर्व ठीक है अब

next question which of the following ip address is not a private ip bhai yahan par aapko ek list mein dungi abhi and that list you have to learn but first of all i would entertain the responses here what is not the private ip private ip inme se kaun sa nahi hota hai private ip ki ek list hai jo aapko learn hona chahiye iska question private ip ka question ugc net mein pehle bhi pucha ja chuka hai चलिए पोल स्टॉप बच्चे लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन ओके 54 परसेंट स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट रिस्पांस व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी दिस इज नॉट अ प्राइवेट आईपी चलिए एंड दिस इज द लिस्ट बच्चे सोर्स विकीपीडिया आप विकीपीडिया पे चेक कर सकते हो इसकी लिस्ट गिवन है ये लिस्ट पर्पस के साथ गिवन है डिस्क्रिप्शन के साथ गिवन है इसका पर्पस भी बता रखा है कि ये वाला एड्रेस किस पर्पस से यूज होता है एंड ट्रस्ट मी एज आई सेड यू वी ऑलरेडी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी सो यस डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस फर्दर आल्सो सो ये एक्सपेक्टेड हो गया विकिपीडिया पे आप इसकी लिस्ट चेक कर सकते हो एनी हाउ आई एडेड द कंप्लीट सॉल्यूशन हियर ये वाला एड्रेस जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश एट द एड्रेस रेंज दिस करंट नेटवर्क सिमिलरली आप सारे एड्रेसेस देख सकते हो वी डू हैव एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो पिछला पार्ट हमारा कौन सा था एक सेकेंड पिछला पार्ट हमारा था टेन डॉट टेन डॉट टेन वन सॉरी

What is the standard existing for data link layer? This you have to choose. Poll created. Again, 30 seconds timer, and what is the right answer? ओके द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन आर फोर स्टैंडर्ड एक्सिस्टिंग हमारे पास सिर्फ चार स्टैंड होते हैं डेटा लिंक क्लियर के अंदर एंड दे आर इथरनेट लेट सी द रिस्पॉन्स ऑल्सो यस ओके थर्टी सिक्स परसेंट एक्यूरेसी है दे आर इथरनेट फ्रेम रिले yes 10 base t and also token ring hssi is not a standard existing for data link layer hssi is a protocol high speed serial interface protocol it is used for short distance communication Connecting the routing and switching devices. It's not a standard. Similarly, Bachay, when you talk about Ethernet, so Ethernet is a family of wired computer networking technology which is used for local area networks. Right. फ्रेम रिले तो इसका बहुत कॉमन वर्ड है है पैकेट पैकेट स्विचिंग सर्विस फ्रेम रिले वी ऑल नो विच इज फॉर कॉस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर टोकन रिंग आल्सो वी नो टोकन रिंग इज द कॉन्सेप्ट विच वी स्टडी इन इन द इन द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स है ना मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के अंदर हम इसको पढ़ते हैं Because this is one of a protocol existing to transfer the message. And when we talk about 10 base T, 10 base T is also a standard existing. 10 base T supports 10 megabits per second transmission speed over twisted pair cables. This is also a Ethernet technology using the twisted pair cables, but we do not have HSSI. Next question, everyone. Again, a simple one. Essay, a hard fact type question. And next wala bhi. which of the following is an example of client-server mode? Client-server mode ka example is se kya Client-server, we are sending device a client would be sending a message. and the server would be replying to it client server architecture system of host ki tarah work karega yes everyone clients would be requesting and they would be receiving the services from the server

जो डिलीवर तो हो गया है पर वो यूज नहीं हुआ तो कौन से पॉइंट्स यूज किए जाते हैं सेगमेंटेशन कॉन्टिनेशन ट्रांसलेशन और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स आर बेसिकली यूज फॉर दिस पर्पज सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसलेशन कॉन्टिनेशन एंड सेगमेंटेशन सो देर फोर वर्ड्स

ओके या फिर उन्हें अप्लाई कर सकते हैं चेंजेस को चलिए ओके लेट्स सी लीडर बोट नाउ टिल क्वेश्चन नंबर टेन आई वुड लाइक टू शो हेअर द स्कोर सो हाईएस्ट स्कोर यस बाय गीता हुडा वेरी गुड यू हैव अटेम्प्टेड टेन क्वेश्चंस एंड गिवन करेक्ट आंसर फॉर सेवन सो एवरीवन कैन सी योर देअर स्कोर इट्स ऑलवेज गुड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन बिकॉज जितने ज़्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे बूस्ट होता चला जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे एनक्रिप्शन हाँ. करना मैसेज को एनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना जल्दी से अगेन एक्सपेक्टिंग अ करेक्ट रिप्लाई फ्रॉम एवरी वन कौन सी लेयर के ऊपर ये काम किया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सो करेक्ट आंसर ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर राउटर या प्रेजेंटेशन लेयर एक ऑप्शन तो ऑड वन आउट पहले ही हो गया राउटर इज नॉट अ लेयर राउटर इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग डिवाइस सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन यस आई थिंक विदाउट एनी डाउट यहां पर सबको आंसर करेक्ट देना चाहिए राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज As I can see in chat, Bilkul correct presentation layer is also called as translation layer. Presentation layer is also called as translation layer, which is involved for the process of encryption, decryption, encoding, decoding. Uh, and transport layer is basically the heart of OSI model.

डीटी की डिवाइजेस डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट डिवाइज डेस्टिनेशन या सोर्स डिवाइस हो सकती है बच्चे डी टी की डिवाइजेस यस डी टी की डिवाइजेस डेस्टिनेशन डिवाइस भी हो सकती है कोई जहाँ पे आपको डेटा भेजना है या कोई सोर्स डिवाइस भी हो सकती है बोथ कैन बी पॉसिबल डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट इट कैन बी एनी थिंग कंप्यूटर्स हो सकते हैं Yes, हो सकते हैं. कैसे कनेक्ट करेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा वर्डिंग को आंसर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में इफ आई से देर आर टू डिज बच्चे विच वी हैव टू डिवाइसेज आर कंप्यूटर्स माइक बी दे आर

मैंने इसकी वर्किंग बताई थी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर व्हिच इज कन्वर्टिंग द एनालॉग डेटा टू डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटल डेटा टू एनालॉग फॉर्म राइट सो दैट्स व्हाट इज द वर्किंग हियर फॉर मॉडेम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट सबनेट मास्क टू यूज फॉर अ क्लास बी एड्रेस टू सपोर्ट 13 नेटवर्क्स एंड आल्सो हैव द मोस्ट होस्ट पॉसिबल ऐसा सबनेट मास्क बताओ जो कि थर्टी नेटवर्क्स को सपोर्ट करेगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्ट भी उसके अंदर होने चाहिए सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस एड्रेस वेल। स्पेसिफिकली क्वेश्चन हैज गिवन यू वन थिंग विच इज क्लास बी है ना क्वेश्चन हैज गिवन यू वन थिंग विच इज क्लास बी सो यू यू नो दैट आउट ऑफ द फोर पार्ट्स There are two parts which are reserved as net ID, do parts to net ID ke reserve honge which is equal to 255.255 .255, and that's given in all the options, right? अब रहती है बात आगे वाले दो पात्स की, अब आगे वाले दो पात्स के अंदर क्या होगा? This you have to think and reply here in the comment. Yes. so we have to create a subnet also na which must cre support 30 networks at least

टू फोर्टी को बाइनरी में कैसे लिखेंगे टू फोर्टी एट को बाइनरी में कैसे लिखेंगे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यस बिकॉज वंस यू विल राइट देम इन बाइनरी तो आपको ये पता लगेगा हाउ मेनी बिट्स कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज एज लाइक टू फोर्टी इन बाइनरी वुड बी फोर वन एंड फोर जीरो राइट टू फोर्टी एट इन बाइनरी वुड बी फाइव वन एंड थ्री जीरो

हॉस्ट तो ये मैक्सिमम हॉस्ट इसमें पॉसिबल हो सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन ने आपसे नंबर ऑफ हॉस्ट नहीं पूछे हैं सो इट्स ओके टू लीव इट एनी हाउ इफ क्वेश्चन वुड हैव आस्क्ड यू तो आप इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर 2048, 2048 मैक्सिमम वैल्यू हो गई एंड स्ट की बहुत बात करेंगे सो ऑब्वियसली माइनस टू विच इज इक्वल टू टू जीरो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो सब लेकिन एंड दे आर लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड वी हैव मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ना सो दीज आर टू सबलेयर क्वेश्चन इज आस्किंग विच सबलेयर परफॉर्म्स द फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम कि आप कैसे मीडियम को यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वॉट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन वॉट टाइप ऑफ मीडियम यू आर यूजिंग विच सब ले टॉक्स अबाउट दिस ये सो देर आर टू सबलेयर एज यू ऑल कैन सी मैंने वैसे नाम बताया सो दो ऑप्शन ऑब्वियसली ऑमिट हो गए

टू एनी चैनल टू ऑबली इंटरनेट एंड दिसकली कंट्रोल मीडिया ना हो जाए ना जाए so यहाँ पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर बहुत सारे मीडिया एक्सेस के प्रोटोकॉल्स आते हैं बच्चे विच आर द प्रोटोकॉल्स लाइक सी एस एम ए अलोहा प्योर अलोहा स्टॉटेड अलोहा है ना सी एस एम ए सी डी सी एस एम ए सी ए राइट

राइट टर्म विच विल डिफाइन दिस बेसिकली वैसे तो हम दो टाइप्स में बात करते हैं एरर्स की वी टॉक अबाउट सिंगल एरर है ना ऑल दो एरर कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स डेफिनेटली बट मैं शॉर्ट में बताऊंगी दो टाइप से हम बात करते हैं अमेजिंग हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी फॉर दिस क्वेश्चन एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट बर्स टेर है दो तरीके के कॉन्टेंट ऑफ दिफाइन एरली वन बिटड जिसमें एक बिट बदल जाती है एंड वॉट आर बर्स टेरर डेट्स वेफिनेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा बिट बदलती हैं तो उसको हम बर्स टेरर कहते हैं ठीक है बर्स टेरर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन द टेक्निकोइंग एक्नोलेजमेंट सो दैट दे केट इज द करेक्ट टर्म विच विल डिफाइन दिस प्लीज इजी क्वेश्चन है ज्यादा वेट नहीं करेंगे फटाफट से आंसर expected here everyone has to reply here this is basically used for bi-directional communication this technique and just because of this let's say we have a sender device and a receiver device if sender is sending out a frame let's say frame number one

So, bandwidth की prevention के लिए इसको use किया जाता है 100% वेरी गुड पिगी बैकिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे दो बातें जल्दी से सुन लीजिए माई स्केड्यूल माई बाइटी क्लासेस एवर इज न्यू टू माई क्लास

पेड बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है सो यू कैन गो एंड चेक द ऐप पीडब्ल्यू की ऐप एंड यू कैन एनरोल नाउ फॉर द दिसंबर साइकिल एंड फॉर जून साइकिल पेड बैच स्टार्ट हो चुका है ऐप पर जाओ और जिनको परचेस करना है वो जल्दी से परचेस कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल

Also, when you talk about collision avoidance, it basically avoids the error, avoids the collision to occur on the channel, right? So, these two important protocols hai, which are used. Next question: In an even parity scheme, what would be the correct parity bit for the binary string? This is the binary string given. Question has clearly given even parity scheme. बड़ी ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि हम इवन पैरिटी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग नंबर ऑफ वन शुड बी यस पैरिटी जो स्कीम होती है इट ऑलवेज वर्क विद टोटल नंबर ऑफ वन And that two, bache including parity, parity, ko include, karke ab total number of ones including parity, this can be even or this can be odd. So we have two definitions, na even parity and odd parity. Fifty-eight percent accuracy. In this question, we have how many ones? One, two, three, four. We already have four ones. Question is saying need to make it even, which is already even. सो वॉट वुड आई इंसर्ट एज पैरिटी पैरिटी जीरो होगी ये पैरिटी है राइट right? जनरली हम पैरिटी कहाँ पे अटैच करते हैं ये मेरा डेटा है डेटा के साथ इस पोजिशन को कहते हैं एम एस बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजिशन जनरली यहां पर हम अटैच करते हैं अपनी पैरिटी राइट सो अभी मेरे डेटा में ऑलरेडी फोर वन हैं विच इज ऑलरेडी इवन सो वॉट पैरिटी आई शुड इंसर्ट जीरो टू मेक इट इवन ओनली राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी अच्छा इसी क्वेश्चन में सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछती कि क्वेश्चन में अब आपको ऑड पैरिटी स्कीम बतानी है करेक्ट पैरिटी क्या होगी व्हाट पैरिटी वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन यस प्लीज अब मैं ऑड पैरिटी की बात कर रही हूं ऑड पैरिटी का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड ना जितने वन्स आपके पास टोटल होते हैं वो नंबर ऑफ पैरिटी का मतलब हो रहा है यहाँ पर total number of ones जो होंगे वो ऑड होने चाहिए सो इन माई क्वेश्चन अ ऑड नंबर वट शुड आई इंसर्ट इन मैं MSB में क्या लगाऊस yes, क्योंकि ऑलरेडी सेवन वन आ रहे हैं which is odd number. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी ऑब्वियसली करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड ओके ओनली फोर्टी सिक्स परसेंट एक भाई क्या हो गया आई थिंक लेट रिप्लाई आया इस वजह से पोल में इन करेक्ट दिख रहा है चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई one more question. okay. how many check bits are required? check bits, kya hoti. Hai? check bits are called as redundancy bits. check bits are redundancy bits. check bits are called as extra bits. check bits are also called as parity bits. so you can use any of the word to understand they are required for 16 bit data word to detect two bit of error and single bit correction using hamming code Very acha question hamming codes ke question bilkul expected hai for error detection

डिटेक्शन का फॉर्मूला होता है इट इज द क्वेश्चन हैज गिवन यू डिटेक्शन इज अ डी प्लस वन एंड इन केस ऑफ करेक्शन इट इज टू डी प्लस वन यस क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग हियर

क्वेश्चन इज सेइंग करेक्टिंग सिंगल बिट एरर सिंगल का मतलब क्या हुआ वन सो व्हाट विल आई टेक डी हियर आई विल टेक वन सो इट्स टू क्रॉस वन प्लस वन विच इज अगेन इक्वल टू थ्री क्वेश्चन इज सेइंग दोनों ना हाउ मेनी चेक बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 16 बिट डेटा वर्ड टू डिटेक्ट टू बिट एरर एंड तो दोनों कह रहा है ना सो ऑब्वियसली यू विल ऐड देम सो टोटल नंबर ऑफ चेक बिट्स रिक्वायर्ड would be equal to six sixteen bit के डेटा वर्ड में six bits आपको टोटल चाहिए होंगी जिनको आप एक्स्ट्रा अटैच करोगे आप देख सकते हैं so it's equal to six yes please I do have many more questions to discuss but keeping in mind time we will continue the session in next class and as I said bache, next class would be the speed test ज्यादा को कवर करेंगे ट्यूजडे को स्पीड टेस्ट आने वाला है एंड ट्यूजे में मिलूंगी ग्यारह बजेन्ट पेपर ऑफ महाराष्ट्र सेट एम एच सेट के अभी के पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें फटाफट से सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या आंसर है एंड ये दिस इज ऑल अबाउट माई सेशन लेट सी द होमवर्क क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं आगे सेशन में हम डिस्कस करेंगे उन्हें तो ये है आज का होमवर्क विच यू हैव टू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन यस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नीडेड बाय एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी डू रिप्लाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन

Top three scorers for the session Poonam Rani, Geeta Huda, and Divya Suresh. And yes, many students have attended and replied in very short time as well. So keep attending all the sessions because this will really help you to practice the questions and see where you stand in your preparation journey. Thank you so much. See you all in the next class. God bless you.